there because we know that we can use our time much better. In this 1 hour, we probably have much more impact than anything else from our schedules. As she said that I am a cancer surgeon, yes, I am a cancer surgeon, but in 1 hour I can do only not even 1/4 of a surgery. It takes that much time. But if we really, really empower our society, empower our people and save our so many lives from tobacco, we'll do a much, much bigger job. And that is why I actually feel very blessed to have such people around who believe in this campaign and make so much of a difference. I know Mohini's heart is in not just a good place, it's a perfect place. And we keep talking about different missions which we keep doing day in, day out. And tobacco is one such crusade which we all strongly believe in. I don't know how many people know that 50% of cancer is just because of tobacco. If tobacco is not तो जो आज हमारे देश में 16 लाख कैंसर पेशेंट्स होते हैं सिर्फ 8 लाख का एक्सीडेंस होता और अगर तंबाकू नहीं होता तो शायद सर से पैर तक हर ऑर्गन में जो इम्पैक्ट होता है वो कम होता, हार्ट अटैक्स कम होते, स्ट्रोक्स कम होते, सब कुछ कम होता। सो ये समझना और ये एक ऐसी चीज है जो हम सब अपने पैसे लगा के खरीदते हैं, उसके ऊपर खर्चा भी करते हैं, चाबी खराब होती है और साथ में बीमारी भी आती है। सो मीडिया का जितना रोल है, जितना आई थिंक जो पुलिस ने एग्जेम्पलरी वर्क किया है, आई डोंट थिंक अक्रॉस द कंट्री इतने चलांस हुए, इतना एक्सीक्यूशन हुआ है जितना दिल्ली में हुआ है, क्योंकि आई थिंक दिस रियली डिजर्व्स अ शॉट बिकॉज कोर्ट पर एक्ट बहुत समय से था लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अब जाकर शुरू हुआ जब लास्ट ईयर कामराज साहब ने यहीं पे इसी हॉल में बैठ के अनाउंस किया, इसको एक मिशन की तरह लिया गया। इट टुक अबाउट 6 months टाइम टू ग्रेजुअली गेट टू मोमेंटम, बट एक बार जब मोमेंटम में आ गए तो नंबर ऑफ चलांस, नंबर ऑफ अवेयरनेस जितनी हो रही है जो आप देख रहे हैं इसका असली रिजल्ट मिलेगा 10-15 साल बाद। पर जो आज हम मेहनत कर रहे हैं सब लोग मिलकर, जो आप लोग बैठे हुए और जो कल आप अखबारों में छापोगे और अवेयरनेस बढ़ेगी, उसका जो रियल इम्पैक्ट है वो शायद 2025-30 के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन हम सबके दिल में ये होगा जब वो रिजल्ट आएगा तो हमें लगेगा क्या हो रहा है। जैसे आपको पता है बहुत सारे स्ट्रेटजी भी दिखाएंगे लोग कि कितने चेंज ऑलरेडी आया है, हैबिट्स में चेंज आया है, बिहेवियर चेंज आया है, तंबाकू का यूज कम हुआ है, उसके साथ जो और एसोसिएटेड चीजें लाइक अल्कोहल एंड उसका भी यूज कम हुआ है। तो ऐसी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। एज अ डॉक्टर मुझे हर रोज ओपीडी में बैठ के क्या महसूस होता है, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, हमें लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं, हमें इलाज करने की बजाय बैन क्यों नहीं करना है या इस तरह क्या क्यों नहीं करना है। और ये चीज सिर्फ हमें नहीं लगता है, अक्रॉस द कंट्री इस कैंपेन से जुड़े हुए 300 oncologists हैं जो लगे हुए हैं। और ये मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है कि डॉक्टर्स ये समझते हैं कि अगर ये रुकेगा तो बीमारी रुकेगी, हम सब और अच्छा कोई और अच्छा काम करेंगे rather than spending our time and energy to human suffering। So, हमारे साथ आज अनिल जी हैं यहाँ पर जो इसी बीमारी से और तंबाकू के हैबिट के शिकार हुए और उनके कैसे वो इस दौर से गुजरे, क्या ऑपरेशन हुआ, क्या सफरिंग हुई, वो बिल्कुल स्वस्थ है, भगवान करे बिल्कुल स्वस्थ है। फॉर्चुनेटली इनको एक ही चीज हुआ है, हम बहुत सारे लोग जानते हैं जब उनको ओरल कैंसर होता है तो ऑलरेडी हार्ट पे हो चुका है, कुछ स्ट्रोक हो चुका है, इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी और चीजें होती है जो सामने दिखती नहीं है या लोगों को पता नहीं होती। तो हम लोग अनिल जी से बात करेंगे कि वो कैसे उन्होंने इस पर एक्सपीरियंस किया और क्या कहना चाहते हैं। अनिल जी आइए। मेरा नाम अनिल है, सबको नमस्कार, सबको चरण स्पर्श। आज मुझे बोनस का दिन मिला है, जैसे कि मैंने अपने शरीर में प्रकृति का दिया हुआ तंबाकू का बीज अपने शरीर में डाला और जिसका काफ़ी टाइम बाद स्कूल टाइम से मैं तंबाकू खाता था, दिनचर्या में वो शामिल हो गया। मेरी कैंसर की 2 मेजर सर्जरी हुई है, दोनों जबाड़े निकाल दिए थे और राइट साइड 1 फीट के करीब पैर खोला गया, शेविंग भी आती जाती है और लाइफ भी आधी हो गई। रोज ऐसा लगता है कि कल रहूँगा या नहीं रहूँगा, कल का नहीं पता। ये शरीर प्रकृति की देन है, इसमें कैंसर जो तंबाकू बनाता है उस बीज को हम शरीर में ना डालें तो आगे फ्यूचर को कैंसर से बचाया जा सकता है। हमारी जनरेशन है जितना हो सके उसे सेव करें, आप सबका सहयोग मिले तो हम आने वाले फ्यूचर को तंबाकू से बच्चों को बचा सकते हैं। जी ये बताइए जैसे आपने काम में स्कूल में शुरू किया, स्कूल टाइम किस साल में शुरू किया? ये 1990 के आसपास। आप उन्हें छाला है तो फिर आपको पहले स्कूल में उन्होंने छाला है,
समूह ने अंदर की तरफ एक पिंक स्पॉट बना और एक दिन रात को सोते हुए मेरा पूरे चेहरे पे स्वेलिंग हुआ, बहुत भयंकर दर्द हुआ जो बर्दाश्त से बाहर था, बेचैन हो गया, तड़प गया, इतना परेशान था कि मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था क्या है। तो जब आपको दिख रहा है चेहरे पे उनका ऑपरेशन दिख रहा है, तो मुझे पता है कि तब उनका स्वाद कैसा है? सब अधूरा है, सब अधूरा है। क्या होता है, रेडिएशन वगैरह होता है, इंफेक्शन होता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डाउन, ड्राइनेस हो जाती है, मुंह में सूखा पड़ जाता है, खाने पीने में दिक्कत आती है, बहुत सारी सफरिंग है इससे रिलेटेड जो कि हम लोग महसूस नहीं करते हैं, और खासकर जो परिवार के और लोग हैं वो भी साथ साथ इस दर्द के थ्रू गुजरते हैं। कितना लंबा इलाज चला आपका? ये दो ऑपरेशन हुए, तो चार महीने में बेड पर ही रहा। जो रेडियोथेरेपी मेरा हुआ, शरीर ऐसा लगता था सेंसलेस है, ना खा सकते ना बैठ सकते, कुछ नहीं, मन ये करता था इससे कि सुसाइड करें, जीने की बिल्कुल इच्छा मर गई थी। आई थिंक ये इससे ज्यादा कोई गॉड नहीं हो सकता, क्योंकि किस हद तक आपको कुछ आता है कि लगता है कि जीवन व्यर्थ हो गया। आपको कैसे, आप कुछ कहना चाहती इस बारे में कि आप कुछ नजदीक से आपकी स्वास्थ्य ट्वेल्थ का बोर्ड रिजल्ट ड्रॉप कर गए, इसीलिए बिकॉज़ ही मदर